शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, कोर्ट ने राउस एवेन्यू कोर्ट के आदेश में खामियां गिनते हुए केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। साथ ही न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। वही पीठ ने 21 जून को ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिससे केजरीवाल की जमानत चल गई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 47 के तहत जमानत की सर्वोच्च शर्तों पर विचार नहीं किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईडी की निचली अदालत में जीरा के लिए पूरा मौका देना चाहिए था। हालांकि निचली अदालत ने केस से जुड़े सारे दस्तावेजों को नहीं देखा। वहीं अब हाईकोर्ट से फैसले के बाद केजरीवाल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इससे पहले केजरीवाल के वकील की ओर से हाईकोर्ट की निचली अदालत का आदेश देखे बिना जमानत के स्टे किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट रुख किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट गलती कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को दोहराना चाहिए, हम हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर फैसले का इंतजार रहेगा।